जन्म कुंडली में राहु और चंद्रमा की युति होने पर क्या दोष बनता है, और राहु और चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में किसी एक भाव में इकट्ठे हो रहे हैं तो इसका किस तरह का फल जातक को मिलता है, आज आपको मैं बताने वाला हूं। बहुत सारे मित्रों ने कमेंट करके हमसे पूछा था कि गुरुजी, हमारी जन्म कुंडली में राहु और चंद्रमा कंजक्शन बना रहे हैं तो इसका किस तरह का असर हमारी लाइफ पर पड़ेगा। वैसे तो जन्म कुंडली में जो ग्रहों की युतियां होती हैं उनका बहुत महत्व होता है और प्रत्येक ग्रह किसी न किसी के साथ जन्म कुंडली में होता है, जिसे ग्रहों की युति कहा जाता है। एक भाव में एक से अधिक ग्रह अगर होते हैं तो उसे ग्रहों का मेल या ग्रहों की युति इंग्लिश में कंजंक्शन कहा जाता है। इन्हीं कंजंक्शन में सबसे एक महत्वपूर्ण जो कंजंक्शन है, जिसके बारे में हमारे पास सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, वो आते हैं राहु प्लस चंद्रमा को लेकर। बहुत सारे हमारे भाइयों ने, हमारे सब्सक्राइबर्स ने डिमांड की थी कि पंडित जी, जन्म कुंडली के चार्ट में राहु प्लस मून की कंजंक्शन के क्या इफेक्ट हैं, क्या उसके सिम्टम्स हैं और फिर उनकी रेमेडीज क्या हैं, इसके बारे में आप एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं। तो आज आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूं कि राहु प्लस चंद्रमा होने पर क्या होता है, इसके क्या परिणाम होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और किस तरह से, किस उपाय को करने से आप इस युति का अगर कोई बुरा प्रभाव बन रहा है उससे आप बच सकते हैं। मुझे विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बहुत पसंद आएगा। एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीय माम्रियता। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो नमस्कार, आभार। आप देख रहे हैं ज्योतिष मिराकल और मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास और नई जानकारी। आज का विषय है राहु जमा चंद्रमा जन्म कुंडली में क्या फल देते हैं। प्यारे बंधुजनों, पहले हम बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा एक शीतल ग्रह है और चंद्रमा को एक शुभ ग्रह की संज्ञा भी दी गई है। चंद्रमा जन्म कुंडली में हमारी माता का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा का जो प्रभाव है वो हमारे मन पर होता है। चंद्रमा का जो अधिकार रहता है वो हमारी कार्यशैली पर रहता है और हमारा जो मस्तिष्क है वो भी कहीं ना कहीं चंद्रमा के अंडर आता है। चंद्रमा कहीं ना कहीं हमारी
कार्य करने की शैली को भी दिखाता है। और शरीर में अगर चंद्रमा की बात करें तो हमारा जो हृदय है वहां पर भी चंद्रमा का प्रभाव रहता है। और इस तरह से चंद्रमा एक शीतलता देने वाला शांत ग्रह कहा गया है। चंद्रमा अगर हमारा मजबूत होगा तो हमें जो सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कई लोगों को आधे सर में दर्द रहता है या हेडेक बहुत ज्यादा रहता है, वीक चंद्रमा के लक्षण होते हैं। बात करते हैं राहु की। जिस तरह से चंद्रमा एक शांत ग्रह है लेकिन राहु एक उत्पात मचाने वाला, यानी कि राहु चंद्रमा शुभ है तो राहु क्या है, एक दुष्ट ग्रह की संज्ञा राहु को दी गई है। राहु हमारे मन को भटकाने का काम करता है, चंद्रमा शांत करने का काम करता है और राहु करता है मन को भटकाने का काम। राहु हमें गलत मार्ग पर चलने के लिए भी उकसाता है या हमसे गलत कार्य करवाने में भी कहीं ना कहीं राहु का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर जन्म कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा और राहु एक साथ आ जाएं तो यह एक भयंकर दोष बनता है। चंद्रमा जमा राहु एक भाव में होने पर बनता है ग्रहण दोष। अभी आपको यह समझना जरूरी है कि यह ग्रहण दोष क्यों बना। चंद्रमा प्रकाश रोशनी है, राहु छाया है अंधेरा है। चंद्रमा के प्रकाश पर जब राहु की छाया पड़ेगी तो क्या होगा, अंधकार यानी कि ग्रहण। जन्म कुंडली में राहु और चंद्रमा एक साथ होने पर ग्रहण दोष का निर्माण होता है और इस ग्रहण दोष की वजह से जातक को अपने जीवन में बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ता है। उसके हर बनते हुए कार्य में विघ्न बाधाएं आती हैं। चंद्रमा राहु एक साथ होने पर जातक का जो आत्मविश्वास है वो भी स्थिर नहीं रहता। जातक का जो आत्मविश्वास है वो डगमगाने लगता है। जातक अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखता है या बहुत संघर्ष करने के बाद भी जातक सफलताओं की प्राप्ति नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ग्रहण दोष बना हुआ है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में यह ग्रहण दोष होता है उनको अपनी लाइफ में सरकारी नौकरी मिलते मिलते रह जाती है या जो मन मुताबिक नौकरी वो पाना चाहते हैं उसमें भी उनकी बाधाएं रहती है। ग्रहण दोष होने पर जातक को सर से रिलेटेड या तो सर में दर्द रहेगा या चक्कर आना, इस तरह की परेशानियों से भी जातक को सफर होना पड़ सकता है। ग्रहण दोष जिन जातकों की जन्म कुंडली में होता है उनको मेमोरी से रिलेटेड भी दिक्कत परेशानी हो सकती है, यानी कि याददाश्त या तो उनकी कमजोर होगी या उनकी याददाश्त में किसी प्रकार की कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। ग्रहण दोष से बचने के लिए, इसके प्रभाव से बचने के लिए दो दिन का जो ग्रहण दोष का अनुष्ठान होता है वह करवाना जरूरी होता है, जिसमें राहु और चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप होता है। राहु के इस ग्रहण दोष की पूजा करवाने के बाद यह दोष भंग हो जाता है और जातक को अपने जीवन में आ रही सभी परेशानियों से मुक्ति मिलने लगती है। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय भोलेनाथ।